Hey, welcome back to our channel. In today's video, I will tell you how to set auto changing wallpaper. This device may automatic change your wallpaper, apna personal wallpaper and live wallpaper set kaise kare. Dosto, sabse pehle lock screen par auto wallpaper change karna sikhenge. Yahan phone settings mein jaiye. Phone settings open karne ke baad yahan home screen and lock screen pe click karna hai. Iske baad scroll karte hue niche aaiye. फिर लॉक स्क्रीन के अंदर ग्लैंस फीचर्स देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। दोस्तों, ग्लैंस फीचर्स के माध्यम से आप लॉक स्क्रीन पर ऑटो चेंज वाला वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो पहले इसे टर्न ऑन कर दीजिए। ग्लैंस फीचर्स ऑन करने के बाद इसमें कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। यहाँ लैंग्वेज एंड कैटेगरीज में जाके अपना भाषा और अपना पसंदीदा कैटेगरी वॉलपेपर चूज कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी सारे कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। अब जिन जिन कैटेगरी पर लॉक स्क्रीन पे देखना चाहते हैं उसे फॉलो कीजिए। इसके बाद बैक आइए। यहाँ अपडेट कंटेंट यूजिंग मोबाइल डेटा को टर्न ऑन करना है। नेक्स्ट शो ग्लैंस कंटेंट ऑन लॉक स्क्रीन भी इनेबल कर दीजिए। दोस्तों, हमारे फ़ोन में ग्लैंस वॉल पेपर सेट हो चुका है। अब एवरी टाइम स्क्रीन ऑन करने से कुछ नया नया वॉल पेपर देखने को मिलेगा। गाइज, अगर आप लॉक स्क्रीन की तरह होम स्क्रीन पर ऑटो चेंज वाला वॉल पेपर सेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? होम स्क्रीन पर ऑटो चेंजिंग वॉलपेपर सेट करने के लिए प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। अगर आप फोटो गैलरी से अपना कोई फोटो होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ फोटो गैलरी में जाइए। इसके बाद एल्बम्स में जाके अपना फेवरेट फोटो चूज कर लीजिए। इस तस्वीर को हम वॉलपेपर बनाएंगे। यहाँ मोर ऑप्शन पर टैप करके सेट वॉलपेपर, इसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने तीनों ऑप्शन आएगा। इस पिक्चर को लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन या होम एंड लॉक स्क्रीन दोनों जगहों में भी रख सकते हैं। हमारा पर्सनल फोटो होम स्क्रीन पे सेट हो गया है। लाइव वॉलपेपर, दोस्तों अब हम होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे लाइव वॉलपेपर सेट करना सीखेंगे। यहाँ होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके नीचे की तरफ वॉलपेपर सेटिंग्स में जाइए। यह आपको काफ़ी सारे स्टैटिक एंड लाइव वॉलपेपर देखने को मिलेगा। इनमें से अपना फेवरेट कोई एक लाइव वॉलपेपर चूज कर लीजिए। फिर अप्लाई बटन पे टैप करके होम या लॉक स्क्रीन पे लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।